किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज हम व्रत में खाए जाने वाले सावा को एक नए तरीके से बनाएंगे। सब्जी के साथ कद्दू की सब्जी बनेगी, तो आइए सावा और कद्दू की सब्जी बनाना सीखें। कद्दू ले लिया है 1/4 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, सौंफ 1/4 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया स्वादानुसार, नमक सेंधा नमक और हरी मिर्ची स्वादानुसार, और ऑप्शनल है चीनी अगर डालना चाहें तो थोड़ी सी चीनी, कड़ी पत्ता, नींबू, हींग और सब्जी बनाने के लिए घी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। आधा कप हमने सावा ले लिया है, इसको हमने साफ कर लिया है, इसको धो करके 15 मिनट पानी में भिगो देंगे। 1 टेबल स्पून हमारा घी गरम हो गया है, जीरा डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, साबुत धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, इनको चटकने देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई करेंगे देंगे और कद्दू डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, बिना ढके फ्राई करेंगे इसको। 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है, और स्वादानुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ हरी मिर्ची डालना चाहें तो केवल हरी मिर्ची डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ज़्यादा चटपटा हमें नहीं बनाना है, व्रत की सब्जी है इसलिए हमको चटपटा ज़्यादा नहीं करना है, इसको खट्टा मीठा करेंगे। तो अब इसको हम ढक करके पूरी तरीके से पका लेंगे। कद्दू हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। आप इससे ज़्यादा गलाना चाहें तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे, आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। शक्कर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और शक्कर भी ऑप्शनल है, आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें। गैस बंद कर देंगे और अब इसमें हम अपना नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू भी हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे। आधा कप हमने सावा लिया था तो 1 कप हमने पानी गर्म चढ़ा दिया है, पानी में हमारा उबाला आ गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम घी डाल देंगे और थोड़ा स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब नमक और घी हमने डाल दिया है, अच्छे से उबल गया हमारा पानी। अब इसमें हम अपना सावा डाल देंगे। अब इसको हम ढक करके पकने देंगे। हमारा सावा भी तैयार है, अब गैस बंद कर देते हैं। सावे के चावल और कद्दू की सब्जी व्रत में खाने के लिए तैयार है, बहुत ही अच्छे बने हैं। और नवरात्रि के व्रत में हमें रोज़ एक जैसा भोजन खाने से हमें बोरियत होती है, तो उसमें आप इस तरीके से खा करके देखें, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से सावे के चावल और कद्दू की सब्जी बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।